हेलो दोस्त, मेरा नाम चंदन सिंह है। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार पे चर्चा पे हेलो, आपका स्वागत। दोस्त मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल रोजगार के चर्चा पे आप लोगों को एक स्किल बेस्ड बिजनेस के बारे में जानकारी एवं इन्फॉर्मेशन के लिए आया हूँ। और आप लोगों को बताते हैं, स्किल बेस्ड बिजनेस में एक बिजनेस है जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल है। वो बिजनेस हमारे मार्केट में रन कर रहा है। वो बिजनेस, उस बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बाइक रिपेयरिंग सेंटर, बाइक सर्विस सेंटर, बाइक रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो कि बाइक रिपेयरिंग बिजनेस है, इसका हम डिमांड देखते हैं तो हर एक एरिया में मिलेगा। गांव का एरिया हो, छोटे मार्केट हो, बड़ा मार्केट हो, शहर हो, या कितना बड़ा मार्केट हो, छोटा मार्केट, बड़ा मार्केट, किसी तरह के मार्केट में आप लोगों को इसका सर्विस सेंटर आपको हर जगह अवेलेबल है। क्योंकि बाइक एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा माध्यम है जो कि हर एक लोग यूज करना चाहते हैं। छोटे अमीर हो, गरीब हो, बड़े हो, कुछ भी हो, वो लोग उस चीज का यूज करते हैं। यूज करने के बाद कोई भी मशीनरी सामान है उसको यूज करने के बाद उसका सर्विसिंग का जरूरत पड़ता है। तो हर एक घर में एक बाइक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा घर में बाइक आप लोग देखेंगे अपने एरिया में, अपने इलाका में। तो बाइक सर्विस सेंटर का बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बाइक सर्विस सेंटर जो हो उसको आप लोग खोल सकते हैं, लेकिन वो स्किल हम लोग लाए कैसे, उसका डिमांड क्या है मार्केट में, मार्केट साइज क्या है उसका। तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट साइज हम लोग का बहुत बड़ा है बाइक सर्विस सेंटर का। तो हम लोग बाइक सर्विस सेंटर का बिजनेस खोलकर एक अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं, अपने गांव में रहकर, अपने घर, अपने बाजार, अपने छोटे मार्केट में रहकर। तो हम लोग क्यों ना बाइक सर्विस सेंटर, तो बाइक सर्विस सेंटर, बाइक सर्विस सेंटर खोलने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जो कि हम लोग को ऑलरेडी पहले ही कर लेना चाहिए वो सभी चीज़ें। तो हम लोग अगर बाइक सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कहीं से स्किल्ड डेवलप करना पड़ेगा, अपने को उस काम के लायक बनाना पड़ेगा। हमको काम बाइक सर्विस सेंटर का सीखना पड़ेगा, तब जाकर उस बिजनेस को हम आगे चला पाएंगे और आगे ले जा पाएंगे या उस बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। तो हम लोग इसका स्किल लेने के लिए आप लोग जहाँ भी रहते होंगे आपके एरिया में देखिए कि आपके यहाँ बाइक सर्विस सेंटर कहाँ है, बाइक कहाँ पे रिपेयर होता है, उसको कहाँ से सर्विस कराते हैं लोग। वहाँ पे जाइए और उस दुकानदार से बात कीजिए, उस शॉपकीपर से बात कीजिए कि हमें भी बाइक के रिपेयरिंग सीखना है। तो उस मकसद से जाइए, उसके यहाँ शुरुआत में काम कीजिए। इसमें कम से कम आपको 5 से 6 महीना समय देना होगा बाइक सर्विस सेंटर को, बाइक सर्विसिंग सीखने के लिए। तो 5 से 6 महीना जब आप समय देंगे तो धीरे धीरे करके उसका मूवी कैसे पलटा जाता है, चैन कैसे कसा जाता है, और बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि बाइक में, वो सारे चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाएगा। जब आपके पास उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा तो आप बाइक अपना खुद का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। और छोटा सा मात्र 10 से 20 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छे बाइक सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, जब आपके पास स्किल डेवलप हो जाएगा, आप में स्किल वो आ जाएगा। तो आपको बिजनेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसा चाहिए, आप इस बिजनेस को बिना पैसा में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आप पहले अपना जाकर अपने मार्केट में स्किल को बिल्ड कीजिए बाइक रिपेयरिंग सेंटर पे, और वहाँ से फिर अपना 5 से 6 महीना समय देने के बाद फिर अपना खोलिए अपना बाइक रिपेयरिंग। एक बैनर बनवाइए, मार्केट में प्रचार प्रसार कीजिए, एक कार्ड बनवाइए और बताइए लोगों कि हम बाइक रिपेयर करते हैं, बाइक को सर्विस करते हैं, आप हमारे यहाँ आइए बाइक को सर्विस कराने के लिए। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको, आप अगर मार्केट में बताएंगे, आपको लोग जानेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके कस्टमर बेस बनेंगे और आप धीरे धीरे करके अपने बिजनेस में ग्रोथ पाइएगा। और फिर धीरे धीरे करके उसमें रिपेयरिंग करते समय आप मोबाइल भी अपने पास रखिए, और आप उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं बाइक के बहुत सारे, उन सारे चीज़ों को आप लोग रख सकते हैं और उस चीज़ को बना सकते हैं। तो आप बाइक रिपेयरिंग सेंटर खोलकर अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।